जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्णा। जैसे कि आप सभी जानते हो कि अक्षय तृतीय की बहुत सारी कथाएं आपने सुनी होगी, ऐसे ही अक्षय तृतीय संबंधित एक कथा हम भी आपको सुनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हो कि महाभारत के एक महान राजा जिनका नाम था युधिष्ठिर, एक पांडव सबसे बड़े धर्मराज युधिष्ठिर जी थे। युधिष्ठिर जी सत्यवादी, धर्मवादी, हर तरीके से एक मर्यादित पुरुषोत्तम आदमी थे। धर्म को मानने वाले, सभी का बड़ी निविदता से आदर करते थे। एक बार क्या हुआ कि युधिष्ठिर जी जुआ खेल रहे थे और जुए में उन्होंने अपना सब कुछ, धन संपत्ति राज्य सब कुछ गवा दिया, और वो सब देव की इच्छा से ही हुआ था, जिस वजह से उन्हें 12 वर्षों का वनवास मिला था। जब उन्हें ये वनवास मिला तब वे अपने भाइयों और अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ वन को निकल पड़े, और वन में इतने कष्ट से सहने पड़े कि शायद हम आपको बता नहीं सकते। जैसे कि आप सभी जानते हो कि युधिष्ठिर के साथ साथ कुछ ब्राह्मण भी उनके साथ चल पड़े थे। युधिष्ठिर जी ने ब्राह्मणों से आग्रह किया कि हे ब्राह्मण, आप हमारे साथ मत चलिए, जंगल में काफी कष्ट होगा, हम तो कंदमूल फल खाके भी रह लेंगे, लेकिन आपके भोजन का प्रबंध कैसे होगा। तो यही ब्राह्मणों ने बड़ी ही विनम्रता पूर्वक महाराज युधिष्ठिर से कहा कि महाराज, हमें अपना नहीं है, हम अपने खाने पीने का प्रबंध खुद कर लेंगे, हम तो बस आपको अच्छे अच्छे कीर्तन और अच्छे अच्छे प्रसंग सुनाकर आपके मन को प्रसन्न रखना चाहते हैं, आप हमारी चिंता मत कीजिए। ये सुनकर युधिष्ठिर जी और अधिक चिंतित हो गए कि ऐसा क्या करूं मैं कि मैं अपने ब्राह्मणों को आए हुए घर अतिथि का सत्कार भी ना कर सकूं, उनके तहत भोजन भी ना बना सकूं। तो उन्होंने अपने पुरोहित धौम्य के पास गए, उनसे पूछा, तो उन्होंने उसे बताया कि धर्मराज युधिष्ठिर, आप सूर्य देव की आराधना करो, जब आप उनकी आराधना करोगे और मुझे विश्वास है कि वे प्रसन्न होकर आपको एक ऐसा वर जरूर देंगे और आपके हर कष्टों को भी दूर करेंगे। ये बात सुनकर युधिष्ठिर जी ने कई दिनों तक तप किया और सूर्य देव को प्रसन्न किया। जैसे सूर्य देव जी ने उनके कठिन परिश्रम को देखते हुए उन्हें प्रसन्न होना पड़ा और उनके सामने आए, तो उन्होंने उसे वरदान दिया कि युधिष्ठिर, मैं तुमसे काफी प्रसन्न हूँ और तुम्हारे इस कठिन परिश्रम में मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि ये अक्षय पात्र मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जो कभी तुम्हें खाना कम नहीं होने देगा और ना कभी पड़ेगा, यानी कि मैं तुम्हें 12 वर्षों तक अन्न प्रदान करता रहूंगा। और इतना कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए, और यह अक्षय पात्र उन्हें अक्षय तृतीय के दिन ही दिया गया था। आप सबको हमारे और जगन्नाथ टीवी की तरफ से अक्षय तृतीय की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।